नमस्कार मित्रों, संदीप ज्ञान यूट्यूब चैनल में आपका विशेष स्वागत है। एक लेटेस्ट गवर्नमेंट जॉब नोटिफिकेशन के साथ जो निकल रहा है सीबीआई सी से, तो इसमें किस प्रकार आपको फॉर्म अप्लाई करना है, क्या एज वगैरह रखी जाएगी, संपूर्ण डिटेल्स आपको इस वीडियो में मिल जाएगी। सर्वप्रथम हम आपको पोस्ट दिखाते हैं, एज लिमिट दिखाते हैं और पे स्केल, इसके बाद में योग्यता। तो सर्वप्रथम हम बात करते हैं इसमें आपकी योग्यता क्या रखी गई, या आप यहां देख सकते हो मित्रों, इसमें डिटेल्स वाइज हम आपको समझाएंगे और कौन सा फॉर्म आपको बिना आवेदन शुल्क अप्लाई करना है, क्योंकि इसमें एक आवेदन शुल्क नहीं लिया जाएगा। तो सर्वप्रथम बात करते हैं हवलदार ग्रुप सी में ये वैकेंसी मिल रही है, जो वैकेंसी आपको मिल रही है, पोस्ट आपको मिल रही है, हवलदार की पोस्ट मिल रही है 10वीं पास के लिए। इसमें आपकी एज क्या रखी गई है यहां समझना है आपको, क्योंकि मैंने पहले इस पे वीडियो बनाया था तो आप यही पूछ रहे थे कि हमें कौन सा फॉर्म भरना है, हमारे पास ये सर्टिफिकेट है तो इसमें कौन सा सर्टिफिकेट लगाएं। हम आपको इस वीडियो में क्लियरिटी बता देंगे। इसके बाद में बात करते हैं उम्र सीमा, 18 से लेके 27 ईयर्स जो जनरल कैटेगरी के कैंडिडेट्स हैं उनके लिए 15 दिसंबर 2018 को आपकी एज होनी चाहिए 18 मिनिमम और मैक्सिमम 28 ईयर्स। और जो SC ST ओबीसी को इसमें छूट मिल रही है, ओबीसी को 3 साल की और SC ST को 5 साल की छूट मिल रही है। अब सर्विसमैन और जो वुमन कैंडिडेट्स हैं उनको यहां 10 वर्ष की छूट मिल रही है। पे मैट्रिक्स की बात करते हैं तो पे मैट्रिक आप यहां देख सकते हो, अपना आपका वेतन जो है इसमें 18,000 से 56,900 रुपए पर मंथ आपको इसमें वेतन मिलेगा 7 CPC के तहत, जो वर्तमान में CPC चल रही है उसके आधार पे आपको पेमेंट मिल जाएगा। सेंट्रल गवर्नमेंट की ये एक रिक्रूटमेंट है, इसलिए आपको इसमें पेमेंट ये देखने को मिल जाएगा समथिंग 21,700 रुपए। जैसे ही आपकी इसमें ज्वाइनिंग हो जाएगी तो इसमें आपको वेतन मिलेगा। हाइट की बात करते हैं, मेल कैंडिडेट के लिए 157 सेंटीमीटर हाइट होनी चाहिए, ठीक है, मेल कैंडिडेट्स के लिए। और जो पूर्वोत्तर राज्य हैं उनको यहां 5 सेंटीमीटर की छूट मिल रही है। चेस्ट की बात करते हैं तो आपका जो चेस्ट है 81 सेंटीमीटर होना चाहिए नॉर्मल, और मैक्सिमम 5 सेंटीमीटर के फ्लॉप के साथ होना चाहिए 86 सेंटीमीटर यदि आपका सीना है, तो आप इजिली इसमें फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। फिजिकल टेस्ट की बात करते हैं तो फिजिकल टेस्ट होगा आपका 1600 मीटर इन 15 सेकंड, क्योंकि आपको इसमें समय अधिक दिया जा रहा है, 1600 मीटर आपको चलना है। और तो आगे की प्रक्रिया जानने से पहले हम आपको एक जानकारी दे देते हैं, यदि आपको किसी भी परीक्षा के पुराने पेपर्स, स्टडी मटेरियल्स और करंट अफेयर्स की यदि आपको आवश्यकता है तो आप हमें अन अकेडमी पर फॉलो कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, उस लिंक पर जाके आप हमें फॉलो कर सकते हैं और स्टडी मटेरियल्स प्राप्त कर सकते हैं फ्री में, और वहां हमें आप कॉन्टैक्ट भी कर सकते हैं। 1600 मीटर चलना है आपको 15 मिनट में, और साइकिल जो चलानी है आपको 8 किलोमीटर इन 30 सेकेंड। तो ये जो फिजिकल है आप आसानी से कर सकते हैं इसको। और जो फीमेल कैंडिडेट्स हैं उनके लिए हाइट देख सकते हैं 152 सेंटीमीटर, यदि आप फीमेल हैं और फॉर्म अप्लाई करना चाहते हैं तो सर्वप्रथम आपकी हाइट 152 सेंटीमीटर होनी चाहिए तो ही आप इसमें फॉर्म अप्लाई कर सकती हैं। वेट होना चाहिए आपका 48 kg। और जो इसमें छूट मिल रही है, हाइट में छूट मिल रही है, वो किसको मिल रही है, जो गोरखा है, असमी है, जो पूर्वोत्तर राज्य हैं भारत के उनके कैंडिडेट्स को छूट मिल रही है। महिलाओं का फिजिकल देख सकते हो आप यहाँ, फिजिकल टेस्ट है आपको 1 किलोमीटर चलना है इन 20 सेकंड, ठीक है, और साइकिल जो आपकी चलानी है वो चलानी है 3 किलोमीटर 25 सेकंड। तो ये भी फिजिकल आप आसानी से कर सकते हैं। सबसे मेन इसमें आपकी हाइट 152 सेंटीमीटर होना अनिवार्य है। अब बात करते हैं यहां आपको सबसे बड़ा पैराग्राफ मिलता है, ये जो वैकेंसी है खेल कोटा की है। अब बहुत सारे ने ये फॉर्म पूछा था कमेंट करके कि हमें ये फॉर्म भरना है, हमें कौन सी यूनिवर्सिटी का भी, कौन सी यूनिवर्सिटी या कौन सी जो सर्टिफिकेट है खेल का वो लगाना है। तो सर्वप्रथम आप यहाँ देख सकते हो इंटरनेशनल कंपटीशन, स्टेट इन सीनियर नेशनल कंपटीशन, यूनिवर्सिटी एंड इंटर यूनिवर्सिटी, दो विश्वविद्यालयों की जो है, यदि आपने किस गेम खेला, जैसे कि आपने क्रिकेट खेला यूनिवर्सिटी के बीच और यूनिवर्सिटी के बीच मतलब, और स्टेट इन जूनियर, यूथ नेशनल कंपटीशन,
स्पॉट पर्सन। अब इसमें बात आती है यहां, यदि कोई रजिस्ट्रेशन किसी युवा क्लब, जैसे कि अब बहुत युवा क्लब है जिनका रजिस्ट्रेशन हो चुका है और उनका आपके पास सर्टिफिकेट है, तो वो भी चल सकता है इसमें। और इंटर यूनिवर्सिटी का लगभग के पास ये मिल जाएगा, क्योंकि आपने यदि ग्रेजुएशन की है तो आपने कॉलेज में गेम खेले हैं और वो सर्टिफिकेट यहाँ चल जाएगा। इसी के साथ हम बात करते हैं, यहाँ देख सकते हो कौन कौन से सर्टिफिकेट आपको यहाँ अनिवार्य, क्रिकेट में, वॉलीबॉल में, कबड्डी में, एथलेटिक्स में, ये चार सर्टिफिकेट आपके पास हैं। इनमें से किसी चार में से एक सर्टिफिकेट आपके पास है, फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। महिलाओं के लिए केवल एथलेटिक्स का जो सर्टिफिकेट है वो आवश्यक है। अब बात करते हैं कौन सा फॉर्म आपको भरना है। ये है सर्टिफिकेट, देख सकते हो आप, जैसे कि ये है नेशनल एसोसिएशन का जो है, इसके बाद में ये है हमारा जो गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट का। इसी के साथ हम बात करते हैं, ये सर्टिफिकेट है, यहाँ ये सर्टिफिकेट आपको मिल जाएगा। ये तो हो गए खेल संबंधित सर्टिफिकेट जो आपको कंप्लीट करवाने हैं, ठीक है। इसी के साथ हम बात करते हैं, इसमें ये है आपका जो फॉर्म का फॉर्मेट, ये भरना है आपको। अब भर के कहाँ भेज देना है ये फॉर्म, इस एड्रेस पे आपको ये फॉर्म भेज देना है। और यहाँ देख सकते हो इजिली, बस आपको खाना पूर्ति करनी है, ये कंप्लीट भर के ऑफिशियल एड्रेस पर भेज देना। एड्रेस पे भेजने से पहले हम आपको इंपॉर्टेंट जानकारी और दे देते हैं, कौन सी इंपॉर्टेंट जानकारी आपके लिए जरूरी है। तो इसमें आपके लिए जो इंपॉर्टेंट जानकारी है वो हम आपको दिखा देते हैं यहाँ। इसमें आपको करना क्या है, एक सेल्फ एड्रेस लिखा हुआ एक लिफाफा अंदर डालना है, जिस पे ₹10 का डाक टिकट हो शैलंगन करना है, मतलब उनके साथ भेजना है, समझ गए आप। वो उसकी साइज देख सकते हो आप, ये साइज होनी चाहिए। और एप्लीकेशन फॉर स्पोर्ट्स कोटा रिक्रूटमेंट 2018-19, ये आपको लिखना है फॉर्म का जो लिफाफा होता है, जो मेन लिफाफा होता है उसके ऊपर, और उसके बाद में आप इजिली फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं बिना किसी आवेदन शुल्क के। तो इसमें आप जरूर फॉर्म अप्लाई करें, क्योंकि अभी भी दिन बचे हुए हैं, 15 दिसंबर तक आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं।